नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। 26 जुलाई से एक बार फिर स्कूलों के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं। पहले चरण में 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और इन कक्षाओं में पहले दिन काफी विद्यार्थी पहुंचे। इन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में जानकारी दी यहां के प्राचार्य। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन द्वारा जारी निर्देशों के तहत 26 जुलाई से कक्षा 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं और उन्होंने जो स्पष्ट निर्देश दिए हैं शासन के द्वारा, उन निर्देशों में हमें कोविड का पूरा पालन करना है। बच्चों की 50% उपस्थिति ही अलाउ की गई है। साथ ही गार्जियंस की सहमति भी हमें आवश्यक है। गार्जियंस सहमति देंगे बच्चों को, तभी वो बच्चे विद्यालय में आ पाएंगे। 2 दिन 12वीं के लिए रखे हैं शासन ने और 2 दिन 11वीं के लिए रखे हैं। सोमवार और गुरुवार 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। मंगलवार और शुक्रवार ये कक्षा 11वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। बुधवार को कक्षा 9वीं-10वीं के लिए है और कक्षा 9वीं के लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया है। अभी शासन केवल इस रूप में कि बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो जाए, पठन पाठन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में शासन देखेगा और जैसे ही स्थिति अच्छी रहती है तो पूरे समय विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी अनिवार्य रूप से होता रहेगा। सभी शिक्षकों को कोविड वैक्सीन जरूरी है। हमारे ज़्यादातर सभी शिक्षकों ने कोविड की दोनों डोज लगभग पूर्ण कर ली हैं और बच्चों के लिए तो अभी 18 वर्ष से जो ऊपर के हैं उन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन का कार्य करा लिया है, लेकिन जो अभी छोटे हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। सभी पूरे स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, पूरा स्टाफ उपस्थित है और आज से ही मेरी 12वीं की कक्षाएं साइंस, मैथ, बायो और आर्ट्स और कॉमर्स की चारों कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। थोड़े से बच्चे आज कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे टीचर्स पूरी तरह से क्लास में पढ़ा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, क्लास प्ले, नर्सरी, KG 1, KG 2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने, एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG 1 और KG 2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास नारायणपुरा रोड बस स्टैंड छतरपुर।